नमस्कार दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस की वीडियो में मैं सीएम तोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हमने एक ट्रेड लिया था जिसमें हमें छोटा सा, बहुत छोटा सा लॉस हुआ है। 14.5 लाख की कैपिटल के ऊपर आप देख सकते हो सिर्फ 3,000 का लॉस है, राइट? लॉस है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। क्या हुआ, किस तरह से हुआ, सभी चीजों को मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। हालांकि ये जो ट्रेड लिया था अल्टीमेटली बहुत प्रॉफिटेबल होता, बट मैंने वो, क्योंकि मेरी कंडीशन वहां पे मैच नहीं हो रही थी, सो आई एग्जिटेड ओवर देयर। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पोजीशंस में भी देख सकते हो, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, मैंने आज बहुत टाइम के बाद ऑप्शन बाइंग किया था। मैंने यहाँ पे 19,650 का पुट बाई किया था एट 7.19, 7.9, जो मैंने 3.1415 के आसपास एग्जिट कर दिया। हालांकि वो बंद आया 25 पे, सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा मूव था, बट काफी कैची मूव था, तो फिर मैंने वहां पे एग्जिट कर दिया। देखिए, ऑर्डर बुक में ले जाता हूँ, पेशेंस का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, और क्या हमने ट्रेड लिया था वो बताता हूँ। 2 बजे मैंने ट्रेड लिया था, 2 बजे, यू कैन सी ओवर हियर इन द ऑर्डर बुक 2 PM, 14.00। सो गाइज, ये आपको समझना होगा, 9:15 से लेके 2 बजे तक मार्केट को देखते हुए भी कोई ट्रेड ना लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जो आपको सीखनी चाहिए, और रादर मैं कहूंगा सीखना पड़ेगा, है ना? सो, अब अगर आप यहां पे देखिए, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में ले जाता हूं। बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, यू कैन सी दैट, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। गैप डाउन के बाद ये हैमर कैंडल बनी, हाँ बुलिश जा रहा था, बट वेरी ऑनेस्टली इतना बड़ा गैप डाउन के बाद, वो भी कल भी बहुत बड़ा गैप डाउन था। अगर आप कल भी एक अच्छा खासा बेरिश मोड आया था, कल की आप कैंडल देखो, दिस इज अ बेरिश। आज भी इनफैक्ट माइनस में ही क्लोज आया है, राइट? बट एनीवेज, सो बेरिश टोन में गैप डाउन के बाद बुलिश जाना, मेरे में रिस्क एपेटाइट नहीं थी। मैंने उसको ठीक नहीं समझा कि इतने बेरिश मार्केट में यहाँ पे हम ना बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो ये वाला ट्रेड मैं देख रहा था, फिर भी स्किप कर दिया, क्योंकि वो सिस्टम के हिसाब से बैठ नहीं रहा था, राइट? फिर ऑल ऑफ सडन ये 5 मिनट की एक कैंडल बनती है, जो तकरीबन तकरीबन 70 पॉइंट की एक कैंडल बनती है, 70 पॉइंट। और आप पिछले कुछ दिनों से देखो ना, तो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक यही हो गया, आपको एंट्री एग्जिट का टाइम ही नहीं देता है। मार्केट डजंट गिव यू टाइम फॉर एंट्री एंड एग्जिट। आप देख रहे हो, देख रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन फट 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 फॉल। कल भी ऐसे ही हुआ, कल भी हमने देखा था यहाँ पे, ऑल ऑफ सडन हमने देख रहे देख रहे देख रहे, कल क्या था, देखो कल गैप अप खुला, डाउन कैंडल, कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट, थोड़ा नीचे गिरा, 4 कैंडल फटाक 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 से गिर गई, और फिर वापस से ऊपर गया, और तड़ तड़ तड़। सो इट हार्डली गिव्स यू टाइम टू रिएक्ट, राइट? इट हार्डली गिव्स यू टाइम टू रिएक्ट। अब आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस रनिंग कैंडल में ट्रेड लेने जाओ, तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा विच यू कांट अफोर्ड, राइट? सो आई वॉज बेसिकली लुकिंग फॉर द बेरिश ट्रेड। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट था 19,660, ये एक्चुअली कल का लो था, और कल के लो को क्रॉस किया। ऑफ कोर्स आई वाज नोइंग दैट कि अब इसमें ज्यादा नहीं है, फिर यहाँ पे नीचे आना शुरू किया, ये देखो 2 बजे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था, यहाँ पे मैंने एक बेरिश ट्रेड बनाया था, वो नीचे भी आया, बट वो ऊपर जा रहा था, एक क्लोज उसने मेरे लेवल के ऊपर दे दिया, सो आई जस्ट एग्जिटेड कि चलो ठीक है, 3 पॉइंट बचे, बट 3 पॉइंट का भी लॉस 2,000 रुपए होता है, विच आई शुड नॉट टेक। ओके, सो मैंने बहुत सिस्टम के हिसाब से वहां पे एंट्री ली थी, बट ये ब्रेकडाउन के फिर जब ऊपर क्लोज आने लगा, देन आई एग्जिटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इस तरह से हमने आज छोटा सा लॉस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ चीजों से सीखने में आई होगी। अगर सीखा है, कुछ भी चीज सीखी है, तो प्लीज टाइप लर्निंग इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको मिलूंगा। देखो क्या क्या सीखा, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा कंजर्वेटिज्म, कि बेरिश मार्केट में गैप डाउन के बाद बुलिश ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होती, और एक्चुअली कल मैंने किया भी था। कल जब ये इस लेवल के आसपास पहुंचा था ना, ये 775 वाले लेवल के आसपास, ये इधर इधर कुछ था, 770 के आसपास, ये 870 कुछ भी था, तो मैंने यहाँ पे एक बुलिश, हाँ यहाँ पे 775 वाले लेवल, सो कल मैंने एक बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश भी करी, जहां पे मेरा ऐसे लिट हो गया, ये देखो यहाँ पे ऐसे लिट हो गया। सो कल ट्राई किया, ऐसे लीड हो गया, आज बुलिश जाने का ट्राई नहीं किया, तो आज मार्केट ऊपर चला गया। इट हैपेंस, मार्केट इज बिहेविंग लाइक दैट, मार्केट इज, कुछ दिनों से मार्केट इज लाइक टेरिबल इरेशनल, गैप अप
गैप डाउन, नो अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्राडे ट्रेडर, शान-शान मार्केट चल रहा, अचानक से इट विल ब्लास्ट विदाउट गिविंग यू नो इवन टाइम टू रिएक्ट टू दैट मार्केट। अगर आप मेरी बात से अग्री कर दो, अग्री करिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।